अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर व्हाट्सएप चैट आइकन ऐड कर सकते हैं, बॉटम राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, या जहां पे भी आप चाहें। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वहाँ पे एक आइकन होता है चैट का, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उनके व्हाट्सएप के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हैं और डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए या फिर क्लाइंट की वेबसाइट पे। ये सारी चीज़ें किस तरह से ऐड करेंगे तो इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। नॉर्मली क्या होता है कि सिर्फ चैट के साथ साथ सिर्फ आपको चैट ही नज़र आता है व्हाट्सएप का, बट आप क्या कर सकते हैं इस मेथड के जरिए यहाँ पे चैट के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा लिंक भी लगा सकते हैं जो कि आप रीडायरेक्ट करवा सकते हैं कहीं पे भी, अपने किसी भी सोशल मीडिया पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं या थर्ड पार्टी बुकिंग सिस्टम पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका यूज़र वहाँ पे आपसे अपॉइंटमेंट बुक कर ले, राइट। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से करेंगे, चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करें। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, प्लगइन्स के अंदर आना है, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना और यहाँ पे हमने ये सर्च करना है चैटी, राइट। और यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं और यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट भी कर चुके हैं, राइट। एक्टिवेट और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इसका विजिट नज़र आ जाएगा सेटिंग्स का और यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे इस तरह से आपको ये विजिट नज़र आएगा। अब ये विजिट मैंने किस तरह से क्रिएट किया, सिंपल आप लोगों को करना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू विजिट और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कोई भी विजिट, राइट। और हम यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी विजिट क्रिएट कर चुके हैं तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे डैशबोर्ड में और उसको मैं एडिट करके दिखाऊंगा कि उसके अंदर मैंने क्या सेटिंग्स की हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से कुछ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को सेट कर सकोगे। विजिट का आप नेम दे दोगे, कोई भी नेम दे दोगे, राइट। यहाँ पे कोई भी आइकन सेलेक्ट कर दोगे, ओके आइकन सेलेक्ट हो गया और उसके अंदर व्हाट्सएप का है तो व्हाट्सएप का आइकन के साथ साथ यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटीज़ मिल गई जहाँ पे मुझे अपना नंबर ऐड करना होगा, तो मैंने वहाँ पे अपना नंबर ऐड कर दिया और यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट ऐड है, राइट। तो ये मैंने ये व्हाट्सएप सेट कर लिया। अब ये दो विजिट फ्री के अंदर मुझे अलाउ करता है, एक तो मैंने व्हाट्सएप चूज़ कर लिया और दूसरा मैंने यहाँ पे कस्टम लिंक चूज़ कर लिया, राइट। आप यहाँ पे कोई और भी लिंक चूज़ कर सकते हैं जो भी आप चाहें, राइट। तो यहाँ पे मुझे दोनों की सेटिंग्स नज़र आ गई है, ये व्हाट्सएप की सेटिंग्स नज़र आ गई और ये हमारे पास कस्टम लिंक की सेटिंग नज़र आ गई। अब मैंने ये जो लिंक है ये मैंने बाकी चीज़ें डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र यहाँ से भी आके मेरे बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सके या इनमें से जिस भी प्लेटफॉर्म पे चाहे वो मुझसे कांटेक्ट कर सके। तो ये लिंक मैंने लगा दिया और दूसरा डायरेक्टली व्हाट्सएप का लिंक लगा दिया। लिंक लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसको शो करवाना चाहते हो। तो मैंने इस तरह से इसको शो करवाया हुआ है, ये वाला आइकन यूज़ किया हुआ है, इसका मैं आइकन चलें चेंज कर देता हूँ ये, और इसकी मैं पोजीशन राइट साइड पर रखना चाहूँ तो यहाँ पे देखें राइट साइड पर मैंने इसकी पोजीशन रखी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं राइट साइड पे इसकी पोजीशन रख सकते हैं और यहाँ पे आप अपना कस्टम आइकन भी ऐड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये प्लगइन अपग्रेड करना पड़ेगा जो कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है और आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद विजिट आइकन का कलर वो आप चूज़ कर सकते हैं, विजिट का साइज़ क्या रखना है वो आप चेक कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए तो वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं और यहाँ पे अटेंशन इफेक्ट और ये सारी चीज़ें, जैसे मैं बाउंस कर देता हूँ अटेंशन इफेक्ट के, यूज़र मेरी प्रोफाइल पे आए तो ये थोड़ा सा पॉप हो जाए खुद ही, राइट। तो इस तरह से ये आप अटेंशन इफेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, बाउंस या कोई भी और इफेक्ट जो भी आपको अच्छा लगे, राइट। पेंडिंग मैसेज उसके लिए आप इसको सेटअप कर सकते हैं, इसका फॉन्ट सेटअप कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ट्रिगर एंड टारगेटिंग, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डिस्प्ले आफ्टर 0 सेकंड्स ऑन द पेज, राइट। आप यहाँ पे ये सेटअप कर सकते हैं कि यूज़र जब आपकी प्रोफाइल पे आए तो कितनी देर के बाद उसको वो व्हाट्सएप या वो आइकन नज़र आ जाए फौरन से बाउंस होता हुआ और उसकी अटेंशन उस पर ग्रैब हो जाए। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरी वेबसाइट पे यूज़र लैंड करे उसको डायरेक्टली ही वो जो विजिट है नज़र आ जाए, वो चैट ऑप्शंस नज़र आ जाए। तो यहाँ पे आप मज़ीद और रूल्स भी ऐड कर सकते हैं, राइट। आवर्स ऐड कर सकते हैं, किन आवर्स में शो हो किन आवर्स में ना शो हो, तो ये सारी काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें उनको आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको क्या कर देंगे, सेव विजिट कर देंगे। जैसे सेव विजिट कर देंगे तो यहाँ पे देखें हैज़ बीन सेव्ड और यहाँ पे आपका वो आइकन शो हो जाएगा जहाँ पे भी आपने शो करवाया होगा, लेफ्ट या राइट पे, और कुछ इस तरह से वो आइकन शो होंगे जब भी कोई क्लिक करेगा। लेट्स सपोज मैं अगर इसको आप लोगों को करके दिखाता हूँ,
इनकॉग्निटो मोड के अंदर आके हम इसको चेक करते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा कुछ इस तरह से ऑप्शन लगेगा, अगर उसको व्हाट्सएप पे बात करनी है सिंपल व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा और यहाँ पे वो हमें मैसेज भेज देगा हेलो, राइट। और जैसे ही वो मैसेज भेजेगा और वो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर या व्हाट्सएप के चैट के अंदर, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि लॉगिन नहीं है मेरा व्हाट्सएप, इस वजह से वो नहीं हुआ, या मोबाइल पे वो होगा तो वो डायरेक्टली उसका व्हाट्सएप ऐप ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा वो अगर मेरे बाकी लिंक्स देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो क्लिक करेगा और वो मैंने जो लिंक ऐड किया हुआ वो है उसके ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे वो मुझसे मेरे सारे जो हैंडल्स हैं उन पे जा सकता है, उन पे जा देख सकता है सारी चीज़ें जो कुछ भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे कोई भी अपना सोशल मीडिया का लिंक डाल सकते हैं, अपना कोई अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से ये सारी चीज़ें सेटअप करनी है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आके मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।